नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट कमलदीप चौहान फिर से लाया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे प्लांट की जो दिखने में काफ़ी सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, और इसको घर पे आपको ग्रो करना, कटिंग से आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत छोटे पॉट में ये लग जाता है, ठीक है, दिखने में काफ़ी सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेविल्स बैकबोन प्लांट्स की, जिसको हम जिग जैग प्लांट्स भी बोलते हैं और बॉटनिकली इसको पेडिलेंथस बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इसको डेविल बैकबोन या जिग जैग प्लांट क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो स्टेम होती है उसका स्ट्रक्चर जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी झुकी सी, जैसे डेविल्स की बैकबोन होती है ना, तो उस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थोड़ी सी झुकी हुई टेढ़ी मेढ़ी, तो इसलिए हम इसको डेविल बैकबोन प्लांट्स भी बोलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे डेविल बैकबोन्स के बारे में पूरी जानकारी, इसको हम कैसे कटिंग से इसको कैसे लगा सकते हैं, और इसके लिए हमें पोटिंग सोइल मिक्सर कैसे रेडी करना है, इसको कितनी धूप की सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसकी हमें क्या देखभाल टाइम टू टाइम हमें करनी पड़ती है, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो का अपडेट कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी वैरायटी की। मोस्टली जो वैरायटी जो कॉमनली पाई जाती है, वो दो तरह के प्लांट्स लगाते हैं हम घरों में अपने गार्डन में। फर्स्ट जो प्लांट होता है ये ग्रीन प्लांट होता है, पूरा इसकी पत्तियाँ सारी ग्रीन होती है, ठीक है, स्टेम भी आपका ग्रीन होगा। और दूसरा जो प्लांट होगा वो इसका वेरीगेटेड होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी आप पत्तियाँ देखिए, स्टेम देखिए, बिल्कुल ग्रीन होगा, ठीक है। इसमें आप पत्तियाँ देखेंगे, पत्तियों में इसमें बीच बीच में आपको वाइट वाइट आपको धारियाँ लगेगी, स्पोर्ट टाइप दिखेगा, तो ये वेरीगेटेड है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। इसका वेरीगेटेड काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है, दोनों ही प्लांट दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, और बहुत छोटे पॉट में या आपके घर पर लग जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े पॉट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है, और ये काफ़ी बूसी टाइप का हो जाता है, जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे इसकी एजिंग होती है, काफ़ी अच्छा घरों में काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इसको इंडोर लगा सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे हल्की धूप आती हो, छन की धूप आती हो, वहाँ पे इस प्लांट को लगा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसको कटिंग से कैसे हमको लगाना है। कटिंग से लगाने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आप टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, ब्लेड है या भी आपका कोई भी आपका टूल है या कटर है, उसको पहले आप स्टरलाइज कर लीजिए, डेटोल या कोई भी आपका स्टरलाइजेशन है, डिसइंफेक्टेंट है, उसे आप स्टरलाइज कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है दोस्तों, हमें जो इसके लिए कटिंग लेनी है, इसके लिए जो कटिंग रहेगी हमारी 4 से 6 इंच की, आप कम से कम आप कटिंग लीजिए, ठीक है, और इसको कटिंग को आप नोडल एरिया से नीचे से काटिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ नोडल एरिया क्या होता है। यहाँ से हमारी नई रूट डेवलप होगी, ठीक है, तो आपको यहाँ से काटिए या फिर यहाँ से काटिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमने कटिंग ली है इसकी, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी कटिंग ले हेल्दी कटिंग ले, ठीक है, ज़्यादा पतली कटिंग ना ले, क्योंकि ज़्यादा पतली कटिंग आप लोगे तो उसके चलने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। आपको हेल्दी कटिंग लेनी है, थोड़ी सी मोटी कटिंग लेनी है, और 4 से 6 इंच की कटिंग इसके लिए सफिशियंट है, इतनी कटिंग आप लगा सकते हैं, ठीक है। ले ली है, कटिंग लेने के बाद आपको नीचे वाले पत्ते आपको हटा देने हैं, आप उसे कटर से काट दीजिए, हाथ से तोड़ दीजिए, ठीक है, 2 या 3 पत्ते आप हटा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी कटिंग रेडी कर ली है, और
कटिंग रेडी करने के बाद हमें क्या करना है, ये हमने नर्सरी बैग लिए हैं, ठीक है। आप इसको छोटे पॉट में भी लगाओगे तो ईजिली आपका लग जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका पौधा जो ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कटिंग के लिए आपको लगाने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ। इसमें कटिंग के लिए आप, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिना रूटिंग हार्मोन के भी आपकी ग्रो कर जाएगी। मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप एक इसमें 2.5 से 3 इंच का आप इसमें होल कर लीजिए, 2.5 से 3 इंच का हम यहाँ पे होल कर लेते हैं सेंटर में। कई लोग दोस्तों क्या करते हैं कि इस कटिंग को ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको होल कर लीजिए, आपको होल करना है तो इससे क्या होगी, आप कटिंग इजीली सेट हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमने इस पर होल कर लिया है। अब होल करने के बाद हम यहाँ पे रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रूटिंग हार्मोन आपके पास है तो आप यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो रूटिंग हार्मोन आप कैसे यूज़ करना वो भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम ये कटिंग लेते हैं, इस कटिंग को अगर ये आपकी 3 या 4 घंटे के बाद की कटिंग हो, पहले आपने कटिंग काटी हुई हो, तो आपको इसको पानी से हल्का हल्का पानी इसको दे देना है, या पानी में आपको डिप करके रख देनी है, ठीक है। ये हमने डिप कर लिया, इससे क्या होगा, ये रूटिंग हार्मोन इस पर ईजिली चिपक जाएगा। कई लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसको पूरा कवर कर लेते हैं रूटिंग हार्मोन से, ठीक है। तो इतना रूटिंग हार्मोन हमने नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये रहता है कि जैसे जितना हम रूटिंग हार्मोन लगाएंगे तो उतनी ही हमारी रूट डेवलप होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे ही आपको रूटिंग हार्मोन लगाना है, इतना सफिशेंट है, ठीक है। आप ये लगाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें होल पहले ज़रूर कर लीजिए। आप डायरेक्ट इसमें ऐसे लगाओगे तो रूटिंग हार्मोन आपका निकल जाएगा। ये आपको 2.5 से 3 इंच तक आप इसको कटिंग को अंदर तक लगाइए। अंदर तक लगाने के बाद इसको मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस कर दीजिए। दोस्तों जैसे आप कटिंग लगाते हो, कटिंग लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है ये हिले ढुले ना, ऐसी जगह पे इसको रख दीजिए जहाँ पे डिस्टरबेंस कम से कम हो। अगर ये थोड़ी बहुत हिल ढुल जाती है, बीच बीच में हिलेगी, तो आपकी रूट तो आपकी जो कटिंग है सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोटिंग मिक्सचर। तो पोटिंग मिक्सचर में दोस्तों आपको जो पोटिंग मिक्सचर रेडी करना है उसमें आप ध्यान रखिए कि उसमें पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो, वेल ड्रेन आपको पोटिंग मिक्सचर यूज करना है। और इसके लिए हमने जो कंपोजिशन लिया है उसमें हमने 40% आपका गार्डन सोइल लिया है, ठीक है दोस्तों। 30% इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है, और इसमें आपका 30% ही हमने इसमें आपका रेत ऐड किया है। तो रेत से क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है पानी का ठहराव नहीं होगा, ठीक है, और जड़ें भी आपकी इजीली ग्रो कर जाएगी, ठीक है, प्रॉपर एरेशन बना रहता है। तो आप इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल हो 10-15% आप कोकोपीट भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हम इसको एज इट इज लगा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमने ढेर सारी कटिंग अपनी रेडी कर ली है। सिर्फ हमने 2 पौधे यूज़ किए हैं, 2 पौधों से हमने काफ़ी सारी अपनी कटिंग रेडी कर ली है। अब इसको आपको छाव में रख देना है प्रॉपर, और ऐसी जगह पे रखिए कि इसमें थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कटिंग लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है, उसमें आप हल्का हल्का पानी आप दे दीजिए, और जब भी आपकी सोइल थोड़ी सी ड्राई हो तो आपको पानी इसमें दे देना है। ज़्यादा पानी भी नहीं देना, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना, हल्का हल्का पानी दीजिए, जो आपकी कटिंग 2 से 3 वीक में आपकी रूटिंग डेवलप कर लेगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, कब इसको पानी देना है, कब नहीं देना है, तो वो बातें हम आपसे शेयर करेंगे। तो पानी के लिए सबसे पहले आपको देख लेना है कि मिट्टी जो आपकी पॉट की मिट्टी है, अगर आपकी ड्राई है तो आप उसमें पानी दीजिए। सर्दियों के टाइम में इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, गर्मियों में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप मिट्टी को आप चेक करते रहिए,
और जैसे जैसे आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है, अगर मिट्टी आपकी ड्राई है तो आप इसमें पानी दें। आप बात कर लेते हैं इसको कितनी सनलाइट की, धूप की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, कब हमें इसको धूप देना है, ठीक है, इस पौधे को कहाँ रखना है कि ताकि इसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों, अगर आप इसको इंडोर उगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आप इसको ऐसी जगह पर रख दिए जहाँ पर थोड़ी थोड़ी छन की धूप आए। आप खिड़की के सामने इसको रख दीजिए, कोई ऐसी जगह पर डायरेक्ट इसको सनलाइट में मत रखिए, जहाँ पे तेज धूप आती है वहाँ पे इस पौधे को मत रखिए, ठीक है। अगर इसको आप आउटडोर लगा रहे हैं तो आउटडोर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ पे इसको कंटिन्यू उसको धूप मिलती रहे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से इसको ना मिले। डायरेक्ट सनलाइट आपको इसको नहीं देनी है, ठीक है, हल्की हल्की आपको इसको धूप आती रहे तो ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इसको कोशिश कीजिए आप सेमी शेड एरिया में आप रखिए इसको, ठीक है, या आपका पोली नेट में आप रखिए या सेमी साइड एरिया में रखिए जहाँ पे हल्की हल्की जो धूप कंटिन्यू मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम जानकारी और केयरिंग टिप्स डेविल बैकबोन प्लांट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो का अपडेट कंटिन्यू मिलता रहे। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।